हेलो दोस्तों, टारगेट टू लक्ष्य के इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 8 यानी कि डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व जो है स्टार्ट किया जाएगा। और इसमें हम लोग पहले पढ़ेंगे डी ब्लॉक के तत्व यानी कि डी ब्लॉक के तत्व जो है किन्हें कहते हैं। तो इसके लिए आप लोग याद रखिएगा, आप बता सकते हैं इसके बारे में कि ऐसे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है वो डी उपकोष में प्रवेश करता है। याद रखिएगा, ऐसे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होता है वो डी उपकोष में प्रवेश करता है उन्हें जो हम लोग डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। इसके अलावा ध्यान दीजिए, डी ब्लॉक के जो तत्व हैं इन्हें दीर्घाकार आवर्त सारणी में कहाँ पर रखा गया है। तो जैसे कि ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये दीर्घाकार आवर्त सारणी है, इसमें आपको पता होना चाहिए ये पहला ग्रुप, इसके अलावा ध्यान दीजिए ये दूसरा ग्रुप, इसी प्रकार यहाँ पर ये तीसरा ग्रुप हो जाएगा, चौथा ग्रुप, पांचवा, छठवा, सातवा, आठवां, इसके बाद नौवां, दसवां और ग्यारहवां और ये ग्रुप नंबर 12। इसके बाद ध्यान दीजिए ग्रुप नंबर 13 से लेके ये यहाँ पर होते हैं ग्रुप नंबर 18 तक। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो पहला और दूसरा ग्रुप है यानी कि ये वाला, ये होते हैं एस ब्लॉक के तत्व। याद रखिएगा, ये होते हैं एस ब्लॉक के तत्व। इसके अलावा ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक के जो तत्व होते हैं इन्हें हम लोग बोलते हैं पी ब्लॉक के तत्व। और इसके बारे में आपको पूरा पढ़ाया जा चुका है पहले ही पी ब्लॉक तत्व के बारे में। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक के जितने भी तत्व होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं डी ब्लॉक के तत्व। याद रखिएगा, यानी कि दीर्घाकार आवर्त सारणी में जो है ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक के जितने भी तत्व हैं वो सभी कौन से तत्व हैं? डी ब्लॉक के तत्व। तो यहाँ पर जो लिखा गया है ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 4, तो ये दीर्घाकार आवर्त सारणी के अनुसार लिखा गया है। अगर यहाँ पर हम लोग इसे मेंडलीफ की आवर्त सारणी के अनुसार लिखें तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी के अनुसार ध्यान दीजिए, आप इसमें बताएंगे थर्ड ए, इसके अलावा यहाँ पर ये हो जाएगा फोर्थ ए, इसके बाद फिफ्थ ए और इसके बाद यहाँ पर ये है सिक्स ए और इसके बाद सेवेंथ ए और इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर ये तीनों ग्रुप जो दिए गए हैं 8, 9 और इसके अलावा 10, तो ये यहाँ पर हो जाएंगे ग्रुप नंबर 8। इस प्रकार से आप बता सकते हैं ये हो जाएगा ग्रुप नंबर 8। इसके बाद यहाँ पर ये है फर्स्ट बी और इसके बाद ये हो जाएगा सेकंड बी। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो ये लिखा गया ये मेंडलीफ की आवर्त सारणी के अनुसार है और यहाँ पर जो ग्रुप 3, ग्रुप 4 लिखा गया था ये दीर्घाकार आवर्त सारणी के अनुसार है। तो इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पर डी ब्लॉक के जो तत्व हैं इसमें कौन कौन से तत्वों को रखा गया है। जैसे कि ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहाँ पर ग्रुप 3 में ध्यान दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा एस सी, इसे हम लोग बोलते हैं स्कैंडियम। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा टाइटेनियम, इसके बाद वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, इसके अलावा कोबाल्ट, निकेल, इसके अलावा यहाँ पर कॉपर, जिंक। इस प्रकार ये इतना हुआ। इसके बाद ध्यान दीजिए, इसमें यहाँ पर रखा गया है इट्रियम, इसके अलावा इसमें है यहाँ पर जर्कोनियम यानी कि ZR, इसके बाद यहाँ पर है न्यूबियम यानी कि NB, इसके बाद मॉलिब्डेनम, इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए टेक्नीशियम, इसके बाद है यहाँ पर रूथियम यानी कि RU, इसके बाद है रोहोडियम ये हो जाएगा, इसके बाद है पैलेडियम और इसके बाद सिल्वर यानी कि AZ और इसके बाद कैडमियम यानी कि CD। इस प्रकार से इसके अलावा ध्यान दीजिए लैंथम यानी कि LA, इसके अलावा है हैफनियम यानी कि HF, इसके अलावा टेंटुलम, इसके अलावा यहाँ पर टंगस्टन, रहेनियम ये हो जाएगा, इसके अलावा ऑस्मियम, इसके अलावा इरिडियम और यहाँ पर हो जाएगा प्लैटिनम यानी कि PT, इसके अलावा गोल्ड AU, इसके अलावा मरकरी यानी कि HG, इसके बाद यहाँ पर एक्टिनियम, इसके अलावा यहाँ पर रदरफोर्डियम यानी कि RF। इस प्रकार इस श्रेणी के जितने भी तत्व हैं ये बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए आपको इनमें बहुत ज़्यादा समय बर्बाद करने की आपको आवश्यकता नहीं है।
इसके बाद ध्यान दीजिए डी ब्लॉक के तत्वों का वर्गीकरण, यानी कि डी ब्लॉक के तत्वों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया। तो याद रखिएगा डी ब्लॉक के तत्व जो है वो क्षैतिज समानता प्रदर्शित करते हैं। क्षैतिज का मतलब इसकी बात हो रही है, ये जो होता है ऊर्ध्वाधर, यानी कि यहाँ पर ये ग्रुप दिए गए हैं आपके और ये यहाँ पर आवर्त दिए गए हैं। तो आवर्त यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 7 आवर्त दिए गए हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए जो ये तत्व हैं ये क्षैतिज समानता प्रदर्शित करते हैं, इसलिए एक आवर्त में, यानी कि जो ये पहला आवर्त है जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये इसका, तो एक आवर्त में आने वाले सभी डी ब्लॉक के तत्व जो है एक साथ अध्ययन किए जाते हैं। याद रखिएगा एक आवर्त में आने वाले सभी तत्वों का जो है एक साथ अध्ययन यहाँ पर किया जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो है इन्हें 4 श्रेणियों में बांटा गया। ध्यान दीजिए ये इसकी यहाँ पर जो है प्रथम संक्रमण श्रेणी, इसे हम लोग बोलते हैं प्रथम संक्रमण श्रेणी, या फिर इसे बोला जाता है यहाँ पर 3D श्रेणी। याद रखिएगा इससे यहाँ पर हम लोग बोलते हैं 3D श्रेणी। तो ये हो जाएगी यहाँ पर 3D श्रेणी। इसके बाद ध्यान दीजिए इससे बोला जाएगा द्वितीय संक्रमण श्रेणी, या फिर इससे आप बोल सकते हैं यहाँ पर 4D श्रेणी। याद रखिएगा ये यहाँ पर हो जाएगी आपकी 4D श्रेणी। इसके अलावा यहाँ पर ध्यान दीजिए इससे आप बोलेंगे तृतीय संक्रमण श्रेणी, या फिर इससे आप बोलेंगे 5D श्रेणी। इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर ये हो जाएगी चतुर्थ संक्रमण श्रेणी, या फिर इससे आप बोल सकते हैं यहाँ पर 6D श्रेणी। तो इस प्रकार यहाँ पर जो डी ब्लॉक के तत्व इन्हें 4 भागों में बांटा गया है, यानी कि 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी, इसके अलावा ये हो जाएगी 6D श्रेणी। इस प्रकार इसे जो है यहाँ पर 4 श्रेणियों में बांटा गया है। अब यहाँ पर अगर इसके हम लोग एटॉमिक नंबर की बात करें तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर आप किस प्रकार से तैयार करेंगे। जैसे कि ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया गया है स्कैंडियम, तो स्कैंडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है बस आपको इसका याद रखना है। इसके अलावा बाकी आप इसी की सहायता से लिख सकते हैं। जैसे कि स्कैंडियम है तो इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 21। याद रखिएगा स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 21। अब इसके बाद जो है जितने भी तत्व हैं इसी क्रम में लिखना। जैसे इसका 21 हो गया तो फिर इसका हो जाएगा 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। तो इस प्रकार जो है आप इन सभी तत्वों के एटॉमिक नंबर जो है यहाँ पर लिख सकते हैं, और एक का याद करना है आपको, बाकी उसी की सहायता से लिख देंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए जैसे कि यहाँ तक हो गया, अब इसका लिखना है। तो जो यहाँ पर था इसमें आपको यहाँ पर 18 ऐड करना है, यानी कि इसमें आप प्लस 18 कर दीजिए। तो जब आप इसमें प्लस 18 कर देंगे तो यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर अब हो जाएगा 39, यानी कि 21 में 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 39। अब इसका पता हो गया। अब बाकी इसी क्रम में, क्योंकि आपको पहले ही बताया गया है कि यहाँ पर जो डी ब्लॉक के तत्व हैं ये क्षैतिज समानता प्रदर्शित करते हैं, तो इसका मतलब ये 39 हो गया। तो अब इसका हो जाएगा 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 और 48। इस प्रकार से ही यहाँ पर इसका हो गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए इतना होने के बाद जब यहाँ पर हम लोग फिर इसमें 18 ऐड कर देंगे, यानी कि प्लस 18, तो यहाँ पर इसका 39 था इसमें 18 ऐड किया जाएगा, तो अब इसका कितना हो जाएगा 57। अब 57 के बाद इसमें याद रखना है आपको, 57 के बाद जो है 58 से लेकर, याद रखिएगा 58 से लेकर 71 तक के जो भी तत्व हैं उनको हम लोग बोलते हैं एफ ब्लॉक के तत्व। याद रखिएगा एफ ब्लॉक के तत्व, याद रखिएगा आप लोग, यहाँ पर 58 से लेके 71 के बीच के जितने भी तत्व हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं एफ ब्लॉक के तत्व, और उसे हम लोग बोलते हैं लैंथेनाइड श्रेणी। याद रखिएगा इसे बोला जाता है लैंथेनाइड श्रेणी। इस प्रकार से याद रखिएगा आप, इसे बोलते हैं हम लोग लैंथेनाइड श्रेणी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 58 से 71 तक, तो अब 71 के बाद क्या आएगा यहाँ पर 72। तो इस प्रकार अब यहाँ पर हो गया 72, इसके बाद हो जाएगा 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और यहाँ पर हो जाएगा 80। इस प्रकार से इतना हुआ। अब इसके बाद ध्यान दीजिए 6D श्रेणी, इसमें एक्टिनियम, इसका होता है 89, यानी कि 89। तो यहाँ पर याद रखिएगा इसका तो होता है 89, लेकिन इसके बाद जो है 90 से लेकर 103, याद रखिएगा 90 से लेकर 103 के जो तत्व होते हैं इन्हें हम लोग बोलते हैं एफ ब्लॉक के तत्व। याद रखिएगा 90 से लेकर 103 तक के जो भी तत्व होंगे वो होंगे एफ ब्लॉक के तत्व, और इसे हम लोग बोलते हैं एक्टिनाइड श्रेणी। याद रखिएगा इसे बोला जाता है एक्टिनाइड श्रेणी। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा कि 90 से लेकर 103 तक के जो भी तत्व हैं उसे हम लोग बोलते हैं एक्टिनाइड श्रेणी। और इसके बाद ध्यान दीजिए 103 के बाद जो है यहाँ पर जो भी तत्व होंगे इसमें 104, 105, इसके बाद 106, 107, 8, इसके बाद 109,
110, 111 और 112। तो इस प्रकार जो है आप इन तत्वों के यहाँ पर एटॉमिक नंबर जो है लिख सकते हैं और आसानी से यहाँ पर याद भी कर सकते हैं। तो अब आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा कि ऐसे तत्व जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है डी उपकोष में प्रवेश करता है उन्हें हम लोग डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। अगर दीर्घाकार आवर्त सारणी की बात करेंगे तो इन्हें जो है एस ब्लॉक इसके अलावा पी ब्लॉक के मध्य में रखा गया। तो याद रखिए यहाँ पर इन तत्वों को जो है एस ब्लॉक इसके अलावा पी ब्लॉक तत्वों के मध्य में रखा गया है, इसलिए इन्हें हम लोग संक्रमण तत्व कहते हैं। याद रखिए यहाँ पर एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के मध्य में रखा गया है, मध्य में रखने के कारण ही इन्हें बोला जाता है संक्रमण तत्व। ये आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे कि इन्हें हम लोग बोलते हैं संक्रमण तत्व। तो अब ध्यान दीजिए, तो वही यहाँ पे लिखा गया कि ऐसे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन जो है उपांतिम ऊर्जा स्तरों के डी कक्षकों में भरे जाते हैं डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, और ये तत्व जो है एस तथा पी ब्लॉक के मध्य स्थित होते हैं, इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व भी कहते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए आप यहाँ पर संक्रमण तत्वों के गुणधर्म, तो इसके प्रमुख गुण कौन कौन से हैं। सबसे पहले याद रखिएगा आप कि इनके गलनांक एस और पी ब्लॉक की धातुओं से अधिक होते हैं। तो ये आप लोग याद रखेंगे यहाँ पर जो डी ब्लॉक के तत्व हैं इनका गलनांक जो होता है वो एस और पी ब्लॉक की जो धातुएं हैं उनसे अधिक होता है। इसके अलावा आप लोग याद रखिएगा कि ये जो है एस और पी ब्लॉक की धातुओं से अधिक कठोर होते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा कि जो डी ब्लॉक के तत्व हैं ये एस और पी ब्लॉक की धातुओं से जो है अधिक कठोर होते हैं। इसके अलावा ध्यान दीजिए इनमें जो है धात्विक चालकता उपस्थित होती है, यानी कि डी ब्लॉक के जो तत्व हैं इनमें धात्विक चालकता भी उपस्थित होती है। इसके अलावा याद रखिएगा कि ये जो है रंगीन लवण बनाते हैं, यानी कि डी ब्लॉक के जो तत्व हैं ये रंगीन लवण बनाते हैं। इसके अलावा ये जो है शंकर आयन बनाते हैं, तो ये भी याद रखिएगा कि डी ब्लॉक के जो तत्व हैं ये शंकर आयन बनाते हैं। इसके अलावा आप याद रखिएगा कि ये जो है अनुचुंबकीय और उत्प्रेरक दोनों प्रकार के गुणों को यहाँ पर दर्शाते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि जो डी ब्लॉक के तत्व हैं ये अनुचुंबकीय और इसके अलावा उत्प्रेरक दोनों प्रकार के गुणों को जो है प्रदर्शित करते हैं। और इसके अलावा अगर इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो इनका जो बाह्यतम कोश होता है, बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास होता है वो NH1 या फिर NH2 होता है। तो याद रखिएगा बाह्य कोश का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो NH1 या फिर इसकी जगह पर NH2 होता है, और उसके पिछले कोश का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है N-1H2। इसके अलावा होता है N-1P6 और इसके अलावा N-1 यहाँ पर लिखेंगे आप D1 से 10, यानी कि 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन इसमें हो सकते हैं। ध्यान दीजिए ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये इसके बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, और ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये इसके पिछले कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसे समझने के लिए आप ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं स्कैंडियम, और इसका यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर किया जाए तो ये हो जाएगा 1s2, इसके बाद 2s2, 2p6, इसके बाद होगा 3s2, 3p6, 3d1, इसके अलावा 4s2, इस प्रकार से। तो अब यहाँ पर इसमें ध्यान दीजिए ये यहाँ पर इसका बाह्य कोश है, तो ये बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया इसके अनुसार, जैसे आपको बताया गया था NH2, तो ये हो गया, और इसके पिछले कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हुआ। तो अब इसके अनुसार ध्यान दीजिए पिछले कोश का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बताया गया था N-1, तो N-1 का मतलब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसके अनुसार ध्यान दीजिए ये NH2, तो N का मतलब यहाँ पर कितना दिया गया आपको, 4 दिया गया है। तो अगर हम लोग N-1 करेंगे यानी कि 4-1, तो 4-1 करने पर कितना आएगा 3, इसके बाद हो जाएगा S2, इतना हुआ। ध्यान दीजिए यहाँ पर N-1 H2 होता है, तो N का मतलब 4 है, तो 4-1 करेंगे H2, तो ये हो जाएगा 3H2। इसी प्रकार ध्यान दीजिए N-1P6, N का मतलब 4, 4 से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3P6, और इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर N-1 1 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 3। इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर डी, यहाँ पर था 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो यहाँ पर कितना है 1। तो इस प्रकार ध्यान दीजिए ये बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, और ये यहाँ पर जो आया है उसके पिछले कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो वही यहाँ पर आपको बताया गया था, ये पिछले कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और ये यहाँ पर इसके बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो पिछले कोश का मतलब यहाँ पर इस प्रकार से होगा, पिछला कोश जो होगा इस प्रकार से यहाँ पर इसका बनेगा। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जा सकता है।
तो बाकी के टॉपिक मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।